Good morning, all of you. Hope you all are good. So, आज का मोरल क्या है? You should not tell a lie. Only speak truth. Not to tell a lie. What it means? क्या मतलब है? Not tell a lie. Always speak truth. इसका क्या मतलब? It means हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. We should speak truth. सच बोलना चाहिए. Truth बोलना चाहिए. सच. क्योंकि there is a God. वो सब देखता है. Everywhere is God. सब जगह पे होता है गॉड. गॉड टेबल में भी होता है, गॉड ब्लैक बोर्ड पे भी होता है, फैन में भी होता है, सब जगह हमें दिखाई नहीं देता. ओके, गॉड हमको वॉच करता है. गॉड ऑलवेज वॉचस कि वेदर वी आर स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, सच बोल रहे हैं या नहीं. गलती होगी, फाइन, कोई बात नहीं. You can say sorry. हमको सॉरी बोल देना चाहिए. सॉरी मामा. जैसे स्पोर्स आपसे कोई ग्लास टूट गया, आपको लगा आइए तो मामा मामा विल स्कोल्ड मी. अब तो मामा डेफिनेटली मामा विल स्कोल्ड मी, डांटेगी डांटेगी. तो क्या करना है? इट्स फाइन. क्या हो गया यदि किसी ने हमको डांट दिया तो? कोई बात नहीं, हमें प्यार भी तो करती है ना मामा. पापा दादा दादी चाचा चाची प्यार भी करते हैं. तो बोलना है सॉरी, आई डिड दिस मिस्टेक. इसे झूठ किया, फाइन. कभी भी झूठ नहीं बोलना. मम्मी बोलेगी तुमने ये उठाया था? नहीं उठाया था. लेकिन तुमने उठाया होता है तो ये नहीं बोलना कि नहीं उठाया था. मम्मा मैंने उठाया था, मुझको ये चाहिए था, मैंने ये खाया था क्योंकि आई वॉज फीलिंग हंग्री. मैंने ये खा लिया. मामा बोली कि इसमें से किसके कोल्ड ड्रिंक थी? मामा मैंने. स्पीक ट्रू. तो मामा ऑलवेज लव दोस किड्स जो सच बोलते हैं. ओके, बहुत लंबा हो जाएगा लेसन. कम टू द पॉइंट सर. टुडेज लेसन इज इंग्लिश लेसन. वन मोर टाइम वी विल रिवाइज डेली. रिवाइज 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 बट रिवाइज तो करना है, तभी तो यू विल लर्न द साउंड्स. कई बेबीज को भी नहीं साउंड लर्न नहीं होती लाइव क्लास में. सो लेट्स लर्न. ए सेज ए ए ए ए. ए सेज ए ए ए ए. ए फॉर एप्पल. ए फॉर एन. ए फॉर एक्स. सो मेनी थिंग्स. बी बी सेज ब ब ब ब. बी सेज ब B b b. B for banana. B for bus. B for bird. So many things. C C says k k k k k k k. C for cat. C for candle. Candle को क्या करते हैं? ऐसे करके burn करते हैं, वही वो blow करते हैं. जलती है ना? और कब जलाती है? दिवाली पे भी जलाते हैं, गुरु नानक बर्थडे पे गुरुद्वारे में जाके जलाते हैं. डी फॉर डॉग. भौ भौ अ पेट एनिमल. डी सेज ड ड ड ड. ई सेज एफ. ई फॉर एग. संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. एफ फॉर फैन. एफ सेज फ फ फ फ. एफ सेज फ फ फ फ. एफ फॉर फैन. ऊपर पंखा चलता है, नीचे सब तुम सोते हो. जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स. जी सेज ग ग ग ग. जी सेज ग ग ग ग. जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर गोट. जी फॉर जेंटलमैन. पापा जेंटलमैन है ना? आप पापा को एक दिन बोलना, पापा यू आर लुकिंग लाइक अ जेंटलमैन. H for horse. Horse कैसे करता है? S says
हाँ नहीं बोलना, स्ट्रेट चली जाती है, मुंह नहीं खुलता ऐसे करके, मुंह नहीं खुलता, स्ट्रेट जाता है। एस सेज ह, आई सेज इंडिया, वेयर विल इज इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं ना, एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई सेज ई ई ई ई, सो लर्न दीज साउंड्स, लेट्स कम वी विल राइट इन द वर्कबुक आल्सो। सो किड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द डेट एंड क्लास वर्क, लीव दिस लाइन एंड स्टार्ट राइटिंग। टुडे वी विल राइट ओनली दीज लेटर्स, बट यू हैव टू स्पीक द साउंड, साउंड बोले बिना कोई भी नहीं लिखेगा। ए सेज ए, बिग साउंड विल कम, स्ट्रेट आना चाहिए ये बिल्कुल। बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड अलोंग विद द साउंड, बार बार मैम बोल रही है। ई सेज ए, ये जब बनाते हैं, ये जो हमने इसके अंदर वी ज्वाइन इट फ्रॉम हियर ना, वी विल कम बैक ऑन द सेम लाइन, इसी लाइन पे वापस आएंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ऑन द सेम लाइन वी विल कम डाउन और इसको हम टच कर देंगे ऊपर वाली लाइन पे। ये वाला पोर्शन हमारा यू की तरह आ रहा है, देखो। नो बॉडी विल मेक लाइक दिस, कई बेबीज का काम ऐसे आता है, देखो ऐसे स्ट्रॉन्ग, ये यहां से यू की तरह ही बनना चाहिए। जी, जी सेस ग, जी सेस ग, सो स्लांटिंग, सेम प्रोसीजर जैसे बी बनाते हैं, स्ट्रेट आए हम, वी विल गो अप और यहां से कर्व करते हुए, कर्व का मतलब थोड़ा घुमाते हुए, कर्व कैसे होता है, ऐसे 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 कर्व होता है, तो यहां से हमको घुमाते हुए कर्व करते हुए वी विल कम डाउन, ऐसे सीधा नीचे आ जाएंगे और फिर अगेन वी विल मेक अ कर्व फ्रॉम हियर, इट्स एच, एंड आफ्टर दैट आई, आपको सबको पता है हाफ यहां तक लेंगे, आफ्टर दैट वी विल टच द अपर लाइन एंड कम डाउन ऑन द सेम लाइन एंड पुट द डॉट हियर आई, यू विल राइट जस्ट दिस वर्क, सिर्फ इतना ही करना है, बट रिवाइज जरूर करनी है साउंड बार बार, और नहीं करोगी देन आई विल गिव यू मोर पेजेस, ओके फाइन। सो किड्स, वी विल वर्क इन दिस वर्कबुक आल्सो, ऑल ऑफ यू हैव द वर्क डन द वर्क ऑलरेडी, फ्यू पेजेस यू हैव डन, सो टुडे वी विल वर्क बी हियर, इट्स कैपिटल बी एंड दिस इज स्मॉल बी, बी फॉर बॉय, बी फॉर बैड, बी फॉर बी, बी फॉर बर्ड, बी फॉर बैलून, बी फॉर बेंच, जिस बेंच के ऊपर ये सब सामान रखा हुआ है, बी फॉर बुक, बी फॉर बनाना एंड बी फॉर बटरफ्लाई, बी फॉर बेबी, बी फॉर बॉक्स, this is a box, okay, these all pictures are related with B, so we will do this cursive B, you will color in this picture very carefully, you will color, you will not come out, and different color you will use, okay, and you will write on this page, is page mein ye page number 12 you will do, and after that, so kids, this letter is capital D and it's small d. So D for words, we will do the D for words, D for doctor, D for doll, D for this door. We enter from the door now. D for dog, dog says bow bow. D for duck, D for dance, both are dancing. Ye couple dance kar rahe hain.
D for drum. So we will write small d on page number 20. Okay, you will color this drum and this grass and water should be in blue color. And you will write this page. But आपने ये जो यहाँ तक छोड़ दिया, you will not leave it here. आपको इस लाइन को टच करना है. You will touch it. ये ऊपर तक ही टच करना है लाइन को. Okay? Because we have done the same method in our notebooks. जो notebooks में आपने जिस method से लिखा है, you will write in the same way in the workbook also.